लावेरी का। इसकी अपनी लुक है ब्लैक की, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, मजे में हैं और खुश हैं। व्लॉग्स बाय सुलेमान हमारे चैनल का नाम है, रोज आपको बताते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करो, उसको देखो, नया व्लॉग डाला है और अब आज हम लोग चैलेंज करने वाले हैं। काफी लोगों को शायद अभी उसके बारे में पता, वो समझते हैं कि व्लॉग्स इसी पे आते हैं, इस पे नहीं आते, अलग चैनल है, तो सर्च करें व्लॉग्स बाय सुलेमान। हम चैलेंज करने वाले हैं आज और देखे कौन लिंक भी होता है, हाँ, कौन जीतता है कौन हारता है तो ये तो आपको वहीं पता चलेगा। बाकी ये कि हमने कल कुछ लोग हमें बोल रहे थे कि आप टाटा हैरियर भी देखें, टाटा सफारी भी देखें, उनके नए वेरिएंट, मतलब वेरिएंट नहीं, फेसलिफ्ट या तो आया है या नया मॉडल जो होता है उनका तो आ गया। तो बाकी ये कि हैरियर हमने ऑलरेडी देख रखी है, कुछ यूट्यूबर्स हैं उनके पास हैरियर है और मैंने काफ़ी, क्योंकि गाड़ियों का बहुत शौक रखता हूँ मैं, तो उनकी हैरियर देख रखी है, उसमें वेरियंट्स भी मुझे पता है, तो इसको देख लेते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि आपकी अपनी कंट्री में गाड़ियाँ बनती हैं, सेफ्टी वाइज फुल 5 स्टार्स दिए जाते हैं, सब कुछ होता है उनमें, बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह का फीचर मिलेगा, हर फीचर मिल जाता है। बाकी ये कि इसको देखते हैं, इनविजन्ड फॉर यूथफुल सेंसेशन, बेसिकली यूथ के लिए बेसिकली शायद ये गाड़ी है, ज़्यादा हैरियर ना, लेने को तो कोई भी ले सकता है लेकिन यूथ को शायद माइंड में रख के बनाई गई है, तो देख लेते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। ओए क्या विजुअल्स हैं, यस यस यस, ही स्टेपिंग आउट नाउ, अच्छा एक्टर रेडी, स्टेपिंग आउट, क्या नाइस नाइस, ओए ये क्या होने वाला है, अब ये बैठेंगे अपनी हैरियर में। देयर इज अ सिंपल indispensable choice, the dumb karne lage, being fearless, action, oh kya jagah hai yaar, ye harrier aa rahi hai, aha aha aha, color, wow. new color, acha isme bhi tail, ha kamaal hai yaar, आगे भी टेल लैंप है पीछे भी, ये मोबाइल सोती है, हां वाह, ऑपुलेंस इज हेडरेस्ट टच वेंटिलेटेड एवरी फीचर नाइस डिजिटल, वो भी अ सीमलेस ब्लेंड ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड पावर, बहुत कमाल है, तो लंदन का ब्रिज लग रहा है, ये इंडिया का ही है मेरा जानते ख्याल, हाँ एक इंडिया में भी है ऐसा, राइट इज व्हाट मेक्स यू फियरलेस, इमरजेंसी ब्रेकिंग, लंदन लग रहा है वो, हाँ मुझे तो स्क्रीन लग रही है पीछे या पता नहीं, an adventure facing it head on is what sets you apart, sahi look hai sahi wali, aur aage jo lights hai na yun jati hain, ha acha dekho black mein zyada show nahi hai uske, ब्लैक नहीं थी वो, शेड लग रहा था उसमें, हाँ ये मजे की देखो, हाँ वॉइस कमांड्स, इट्स द सिंपल थिंग्स दैट ब्रिंग प्योर जॉय, मोई वाइट वायरलेस एप्पल कार प्ले, अच्छा मुझे तो ना? इसके स्टेयरिंग पे भी डिजिटल है या वैसी टी, इतना बड़ा टी लिखा हुआ है ना वो, या वैसी लुक ऐसी दी हुई जैसे स्टेयरिंग पे भी मुझे लगा डिजिटल, our passion drives us to make smart choices,
कमाल है ये लाइट बहुत कमाल है। हाँ हर वेरिएंट में डिफरेंट फीचर्स होते हैं ना। स्मार्ट ये डिफरेंट है वो देखो ना स्टीयरिंग पे जो लिखा हुआ है ये इनसे से डिफरेंट है। आप इनको अच्छा डार्क ये वेरिएंट दिखा रहे हैं पहले गोल्ड आई थी फिर व्हाइट अब डार्क आ गई मेरा से ब्लैक हो गई। The strong and the mighty forever stand as guardians. Dark wala bhi. Black. Iski apni look hai black ki. Bahut kamaal lagta. Ye dekho. Screen check karo zara beech mein jo multimedia screen. Wo. कमाल है भाई घूमे हो ना इंडिया में मतलब इलेक्ट्रॉनिक सीट्स ये क्या ऑडियो डिफरेंट सेटिंग्स हैं JBL स्पीक इट्स द एसेंस ऑफ दिस जर्नी द पावर टू रीडिफाइन एवरी वर्ल्ड एवरी मोमेंट Dark, smart. Pure adventure, fearless. तो बेसिकली ये है कि इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना वो जो इसकी फ्रंट की लाइट्स हैं जो यूं जाती आगे भी और बैक पे भी। सबसे अच्छी बात कि गाड़ी को जिसने रिप्रेजेंट किया ना डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट चीजें दिखा के डार्कर सबसे एंड में आया मुझे डार्क सबसे अच्छा लगा। अगर इसका पिछला फेसलिफ्ट से पुराने वाला देखे ना तो वो मैंने देखा उसमें छोटी स्क्रीन थी उसकी क्लस्टर डिजिटल शायद नहीं था। अच्छा इसमें जो व्हाइट में आई ना उसके अंदर डिजिटल स्क्रीन मुझे नजर नहीं आई। अच्छा व्हाइट में थोड़ी चेंज थी वो और इसकी स्टेयरिंग पे जितना टी लिखा हुआ है मुझे तो वो भी डिजिटल ही लग रहा था। बाकी है कि वॉइस कंट्रोल्ड और सीटिंग बहुत प्यारी फिर उसके अलावा और इसकी स्क्रीन बहुत बड़ी है डिफरेंट वेरिएंट्स होंगे ना। हाँ तो बहुत कमाल है और लुक बिल्कुल चेंज हो गया है तो मतलब है कि आप जब फेसलिफ्ट लेने जाएंगे तो आपको ये नहीं लग रहा कि भाई उसी गाड़ी में एक दो नई लाइट लगा के तो उसको वो कर दिया सब कुछ ही बदल डाला। और दूसरा ये मजे की बात है कि आप लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं आपकी रेंज में है। बिल्कुल ऐसा ही है और बुकिंग इसमें ऑफ रोडिंग के लिए ज्यादा यूज हो सकती है ना। ये फोर व्हीलर है कि नहीं अब ये मुझे नहीं पता एग्जैक्ट बाकी क्योंकि एक जगह दिखा रहे थे ना वो जहाँ चला रहे थे फॉरेस्ट में हो सकता एक जगह पे चला रहे थे। तो बाकी ये यार किस किस का दिल आया है इस वाली हैरियर का ये फेसलिफ्ट लेने का और इसमें जो वेरिएंट्स हैं आप हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। डार्क वेरिएंट का तो मुझे पता है बाकी दो भी आए थे एक गोल्ड में आया था एक व्हाइट में आया था उनमें क्या फर्क है ये भी हमें बताइए। अगर मुझे कोई कहे ना कि तुम कौन सी लोगी इसमें से तो मैं ब्लैक चूज करूंगी। हाँ, ब्लैक का बस सिर्फ एक मसला है उसको हर रोज साफ करना बंदा कर लेता है लेकिन जो गाड़ी के लोग ब्लैक में आती है ना जो क्लासी लगती है वो ब्लैक या एक सिल्वर भी एक होता है कलर बड़ा प्यारा सा सिल्वर भी अच्छी होती है। सो यार दैट्स इट गाड़ियों के जो शौकीन लोग हैं ना उनको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी जिससे हमें भी लगी। आई विश कि हम ऐसे टाटा मंगवा सकते हैं जाता है इंडिया में इतनी ज्यादा है कि बंदे का दिल कर ही जाता है कि यार कोई ना कोई हमारे हम भी ले लें उनमें से। आपके अपने ही कंट्री में बनी हुई सबसे और सेवन एयर बैग इसमें। हाँ सेवन सेफ्टी के मामले में पीछे नहीं रहते बाकी ये यार दैट्स इट रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हमारे ब्लॉग्स में जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा फॉर लेटेस्ट फोटो शोरेशन अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे नए नए डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।